पोंग झील में मोटर बोट की संख्या को बढ़ाया जाएगा। बर्ड फ्लू के कारण मरे पक्षियों को ढूंढने में भी कहीं दिक्कत आ रही है। इस समय 3 या 4 ही मोटर बोट हैं। यहां पर कौओं की मौत भी एक चिंता का विषय है, लेकिन वन्य प्राणी पशुपालन विभाग अपनी नजर प्रत्येक मामले को लेकर रखे हुए है। ऐसे में लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है और जिला प्रशासन शीघ्र ही पोंग के आसपास के क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान छेड़ेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर धर्मशाला में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बर्ड फ्लू के कारण यहाँ के लोगों में डर भी है, जिसे लेकर उन्हें जागरूक करने के साथ सतर्कता बरतने को लेकर भी बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहत की बात ये है कि पोल्ट्री में अभी तक कोई बर्ड फ्लू का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन विदेशी परिंदों में बर्ड फ्लू के प्रतिदिन के बढ़ रहे मामले चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में COVID-19 के मामलों में पहले के मुकाबले में काफी कमी आई है और पर्यटक भी अब प्रदेश में बढ़ने लगा है। उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि ग्रामीण संसद के चुनावों में COVID-19 के मामले बढ़ सकते हैं, पर सरकार पूरी तरह से एहतियात भी बरत रही है। चुनावों को लेकर पहले से SOP भी जारी की गई है और अधिकारियों को भी पूरी नजर रखने के लिए कहा गया है। वहीं चुने जाने वाले जन प्रतिनिधियों से जीत के बाद जश्न भी न मनाने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दी गई छूटों के बाद प्रदेश में कोरोना के मामले पड़े भी थे, लेकिन इसके बाद कुछ प्रतिबंध लगाए गए, जबकि कांग्रेस ने इसे लेकर भी अपनी राजनीति ही की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जनवरी को स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष पर पूरे प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी एक वर्ष होगा, जिसमें हालात ठीक होने पर पोंग में भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से हवाई अड्डों का निर्माण व विस्तार भी जरूरी है और इस दिशा में मंडी के हवाई अड्डा को निर्माण व कांगड़ा हवाई अड्डा के विस्तार को लेकर मामला केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। इस अवसर पर सांसद व पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी, विधायक विशाल नेहरिया, त्रिलोक कपूर, चंद्रभूषण नाग भी मौजूद रहे। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के जरूर दुख है कि विशुद्ध राजनीति करने वाले हमारे विपक्ष के कांग्रेस के लोग इस वक्त इससे भी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको लाभ नहीं मिलेगा। हमने उनको कहा कि आपके पास अगर कोविड को रोकने का कोई फॉर्मूला हमको बताओ ना, मुझे नहीं बताना तो अमरेंद्र सिंह को बताओ, वहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम गहलोत को बताओ, क्या फार्मूला है तुम्हारे पास? जितने हमारे हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर एक्टिव केस नहीं थी एक जमाने में, तो उससे ज्यादा तो डेथ हो गई वहां पर पंजाब में। इसलिए हमको सलाह दे रहे तो वहां पर जाकर के सलाह दे रहे, अगर हमको नहीं देनी आपने तो। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि ये विषय राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहुत निम्न स्तर की बातें, निम्न स्तर की चीजें जो कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने की हैं, हमने उन बातों को सुना, हमने उन बातों को देखा, उस पर हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमने हिमाचल प्रदेश में ईमानदारी से प्रयत्न किया है, प्रयास किया है कि हर एक आदमी का जीवन कैसे बचाया जा सके। दुखद मृत्यु हुई है लोगों की, उसका हमको अफसोस है, उसकी हमको पीड़ा है। हमने इस स्पाइक को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में जो है मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तहत 4 जगह जो है जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तहत जो प्री फैब्रिकेटेड जो है स्ट्रक्चर जो लगा करके हमने हॉस्पिटल बना करके तैयार किया, शिमला में तैयार होकर के हमने उसका उद्घाटन कर लिया, शुरू कर दिया उसको, उद्घाटन क्या शुरू करा दिया उसको, टांडा में 1 महीने के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा, मंडी में उसका काम शुरू हो गया। तो ऐसे में आपको कहूँ कि उसके बाद हमारा नालागढ़ में वो बन करके लगभग वो तैयारी हो गया। तो हम तो उन सारी चीज़ों के लिए अब हम उनको कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहते हैं कि 50 साल समय उनने 50 साल तक यहाँ पर शासन किया, 50 वेंटिलेटर थे हिमाचल प्रदेश में, आज हमारे पास 700 वेंटिलेटर है हिमाचल प्रदेश में और 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है हमारे पास है। 8 जगह हम नए ऑक्सीजन के प्लांट लगा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए वो क्या बात है, किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहने का अभिप्राय है जो बेस्ट पॉसिबल जो किया जा सकता है वो हमने कोशिश की है, इतना ही मुझे कहना है। मित्रों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। 5N1 जिसका अभी प्रेजेंटेशन आपके सामने रखी, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें मैं समझ, मुझे लगा कि भाई हमारे पास डॉक्टर विक्रम यहाँ पर हैं तो उन्होंने
कल शाम को प्रेजेंटेशन दिए थे, मैंने कहा कि इसका सही पक्ष, सही बात, सही तरीके से मीडिया के सामने बहुत जरूरी है जाना, इसलिए क्योंकि हम अब टूरिस्ट इंडस्ट्री को और ज़्यादा प्रभावित नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ये हिमाचल पे नहीं पूरे देश की खबर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, हिमाचल में और भी बहुत सारे प्रदेशों में जो है ये जो फ्लू जो है वो बर्ड फ्लू जो फैला है, और उसके कारण बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि कहीं ये वायरस और आने वाले समय में सारी व्यवस्थाओं को जो है वो फिर से प्रभावित ना कर डाले। और फिर उसके बाद जो आगामी कार्यवाही के संबंध में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम तुरंत जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके एनिमल हस्बेंड्री और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों डिपार्टमेंट के अधिकारियों के को आदेश दिया, टीमें यहाँ पर गठित की गई और लगभग 55 टीमें हमारी एनिमल वाइल्ड लाइफ पालन की, और उसके बाद 10 टीमें हमारी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर भेजी गई, और जो जा कर के वहाँ पर विजिट किए, विजिट करने के बाद उन्हें सैंपल भी कलेक्ट किए, और उसके बाद सारी चीज़ जो प्रोसेस पीपी किट उपलब्ध कराई, और पीपी किट उपलब्ध कराने के साथ इसका जो एक सेट एक प्रोटोकॉल के तहत इसका डिस्पोजल का एक मैकेनिज्म है उसको फॉलो करते हुए उसमें किया। लेकिन इतना जरूर है कि ये नंबर पर डे बढ़ता जा गया है, और मोर देन 3400 के लगभग जो है ये अभी तक जो है उसमें जो है वो डेथ बर्ड्स की हुई है, और उसमें जो डेथ हुई है उसमें जैसे बताया गया यहाँ आपके सामने प्रेजेंटेशन में, उसमें जो बार हेडेड गीज जो है जिसके सिर में धारियाँ होती हैं और ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो यहाँ आते हैं, पौंग डैम में आते हैं, हिमाचल में और जगह भी पहुँचते हैं जहाँ हमारे डैम हैं, हमारी इस तरह की लेक हैं वहाँ पर पहुँचते हैं, तो उनका नंबर जो है बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर उनका है। लेकिन उसके साथ साथ में ये भी हमने अनुभव किया, थोड़ा सा देखा कि भी कुछ जगह कौवे की भी मृत्यु हुई है, और अब आज हमको थोड़ी ये भी इन्फॉर्मेशन मिली है कौवे की डेथ और जगह भी कुछ जगह हुई है। लेकिन इसके अलावा अभी तक हिमाचल प्रदेश के जो जितने भी हमारे इस तरह के एरिया है, जलाशय हैं जहाँ पर इस तरह के पक्षी आते हैं जाते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के बर्ड्स के मरने की अभी तक जो है वो खबर नहीं है। कौवे की खबर जरूर आई है, वो हमको कंफर्म हुई है, और उसमें भी हमने सैंपल भेजे हैं, और मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये संक्रमण शायद वही संक्रमण हो सकता है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं ये लेक के और इसके जो है पौंग डैम है जहाँ ये इस साइट पर हैं उसी एरिया में रहते हैं, आगे पीछे जाते हैं, ज़्यादा इस तरह से हैबिटेशन में नहीं जाते हैं। लेकिन कौवा एक ऐसा पक्षी है जो कहीं भी जाता है, वो थोड़ा सा चिंता का विषय बन रहा है कि भाई उसके कारण कहीं ये जो है वो संक्रमण कहीं ऐसी जगह ना पहुंच जाए फिर जहां आदमी जानवर सभी लोगों को संक्रमित होने की संभावनाएं बढ़े, तो सारी चीज़ को लेकर के एहतियात के तौर पर जो चीज़ें की जा सकती हैं।